वेलकम बैक माय डियर किड्स, हाउ आर यू? आई एम पायल, योर कंप्यूटर टीचर. टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ आवर कंप्यूटर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज. द नेम ऑफ आवर बुक इज साइबर क्रिएटर क्लास 1. तो चलिए हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अदर्स पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स और कुछ अदर्स पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले क्या करना है आपको? नेम एनी 4 पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड राइट देयर फंक्शन. आपको अपनी बॉडी के कोई भी 4 पार्ट्स लिखने हैं और उसके फंक्शंस लिखने हैं. सपोज आपका एक बॉडी पार्ट है आईज, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आईज, और यहाँ पे उसके फंक्शन. आईज क्या करती है? आईज हेल्प अस टू सी. तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आईज, और आईज का फंक्शन क्या है? हेल्प अस टू सी, मतलब देखने में हमारी मदद करती है. इसी तरीके से आप 3 और पार्ट्स लिखेंगे और उसके फंक्शंस लिखेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स आर, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सिस्टम कैबिनेट. तो ये कितने पार्ट्स हो गए? 4 मेन पार्ट्स. तो अब हम एक एक करके इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर. मॉनिटर क्या होता है? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी. मॉनिटर किसकी तरह लगता है? टीवी की तरह लगता है. इट शो द वर्क डेट वी डू ऑन अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं वो हम कहाँ देखते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पर. वी कैन वॉच कार्टून, वीडियोज, मूवीज, फोटोज, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पर हम पिक्चर देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवीज देखते हैं, फोटोज देखते हैं, ड्राइंग्स देखते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पे देखते हैं. इट हैज ऑन ऑफ बटन. इस पे ऑन और ऑफ का बटन होता है. इट इज कनेक्टेड टू द CPU यूजिंग अ केबल. ये एक केबल के थ्रू किससे कनेक्ट होता है? CPU से कनेक्ट किया जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर. मॉनिटर्स 2 तरह के होते हैं. दे आर LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर. कौन कौन से? LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर्स. अब हम पढ़ेंगे LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर के बारे में कि LCD मॉनिटर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं और LED मॉनिटर में क्या क्या होता है. इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे. सबसे पहले LCD मॉनिटर. इट इज थिन इन साइज. ये साइज में बहुत पतला होता है. नाउ LED मॉनिटर. इट इज मोर थिनर देन LCD. ये LCD से भी और ज्यादा पतला होता है. इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. LCD मॉनिटर कम जगह घेरता है. LED मॉनिटर. इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. ये भी कम जगह लेता है. नेक्स्ट, इट इज लाइट इन वेट. और LED मॉनिटर. इट इज लाइटर देन LCD. ये LCD से भी हल्का होता है. नेक्स्ट, इट इज नॉट सो कॉस्टली. ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता. कौन सा? LCD मॉनिटर. नाउ LED मॉनिटर. इट इज मोर कॉस्टली देन LCD. और ये LCD से ज्यादा महंगा होता है. नेक्स्ट, इट्स पिक्चर्स आर क्लियर. इसकी सारी पिक्चर्स क्या होती हैं? बिल्कुल क्लियर होती हैं. नाउ LED मॉनिटर. इट्स पिक्चर्स आर क्लियरर देन LCD मॉनिटर. इसकी पिक्चर
एलसीडी मॉनिटर से भी ज्यादा क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट कीबोर्ड। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड। ये किसकी पिक्चर है, कीबोर्ड की। ये किसकी पिक्चर है बच्चों, ये कीबोर्ड की पिक्चर है। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। अ कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। कीबोर्ड बहुत सारे छोटे छोटे बटन से मिलके बना है, जिसे क्या कहते हैं, छोटे बटन्स को क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। इस पर जितने भी ये छोटे छोटे बटन्स हैं, इन सबको हम कीज कहते हैं। ईच कीज हैज अ नंबर, लेटर, सिंबल और अ वर्ड रिटन ऑन इट। जितनी भी कीज हैं, कुछ पर कोई लेटर लिखा है, कुछ पर नंबर लिखा है, कुछ कीज पर क्या लिखा है, डिफरेंट क्या लिखे हुए हैं, डिफरेंट सिंबल्स लिखे हुए हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें लिखी होती हैं हर एक कीज पर। इट इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड किस लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए। एक्स्ट्रा बाइट, नाउ आई विल टेल यू वन एक्स्ट्रा बाइट। द प्रेसिंग ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। जब भी हम कीबोर्ड की कीज को प्रेस करते हैं कंप्यूटर पर कुछ भी लिखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टाइपिंग। क्या कहते हैं उसको, टाइपिंग। नाउ लेट अस डू। तो चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस ब्लो। अब यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है और उससे एक वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले क्या क्या लेटर है, आर ओ एन एम आई ओ टी। तो अब हमें सोचना है इससे क्या वर्ड बनेगा, तो इससे बनेगा मॉनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर, मॉनिटर। द नेक्स्ट वन के वाई एस ई। तो बताइए अभी पढ़ा है हमने, जस्ट अभी पढ़ा है, ये बनेगा कीज, के ई वाई एस, कीज। द नेक्स्ट वन डी आर ए ई के बी वाई ओ, इसके बारे में भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ये बनेगा हमारा कीबोर्ड, के ई वाई की बी ओ ए आर डी, की बोर्ड। द नेक्स्ट टू यू विल थिंक एंड डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल लर्न अबाउट माउस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माउस के बारे में। आप ये मत सोचिए कि हम माउस मतलब चूहे के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर माउस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर माउस हैज टू बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील। कंप्यूटर माउस के दो बटन होते हैं और क्या होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है। इट इज यूज टू पॉइंट एट एंड सिलेक्ट द आइटम ऑन द मॉनिटर। ये किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए और मॉनिटर पर चीजों को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। ये हमारी मदद करते हैं किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने में और उसे कलर करने के लिए। नाउ आई विल टेल यू वन एक्स्ट्रा बाइट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। लैपटॉप हैव अ बिल्ट इन टच पैड। लैपटॉप में क्या होता है, एक बिल्ट टच पैड होता है विच डज ऑल द फंक्शन ऑफ अ माउस। जो किसके फंक्शंस करता है, सारे माउस के फंक्शन वो टच पैड करता है। नेक्स्ट सिस्टम कैबिनेट। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम कैबिनेट के बारे में। सिस्टम कैबिनेट होल्ड्स द सीपीयू एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम कैबिनेट क्या करता है, सीपीयू को होल्ड करता है और कंप्यूटर के कुछ अदर पार्ट्स को। इट कंसिस्ट ऑफ अ बटन यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो बटन होता है वो किस में होता है, सीपीयू में होता है, मतलब सिस्टम कैबिनेट में होता है।
नाउ वी विल लर्न अबाउट सीपीयू. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे. सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है. द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर एक्ट लाइक योर ब्रेन. वो किसकी तरह फंक्शन करता है? जैसे हम कोई भी काम किससे करते हैं? अपने दिमाग से, ब्रेन से सोच कर करते हैं. सेम सीपीयू का भी वर्क कैसा होता है? ब्रेन की तरह ही होता है. सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. किस किस को कंट्रोल करता है? मॉनिटर को, कीबोर्ड को और माउस को. द नेक्स्ट, अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब हम कुछ अदर पार्ट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के. देयर आर अदर कंप्यूटर डिवाइसेस दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर एंड स्पीकर. कुछ और पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं. वो कौन कौन से हैं? प्रिंटर और स्पीकर्स. लेट अस लर्न अबाउट दीज डिवाइसेस इन डिटेल. तो अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज प्रिंटर. पहले हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में. प्रिंटर इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ आर वर्क ऑन अ पेपर. प्रिंटर किस लिए यूज होता है? हमने कंप्यूटर पर जो भी काम किया उसके प्रिंट आउट को लेने के लिए. वो सारा काम किस पर आ जाता है? एक पेपर पर आ जाता है. इट कैन प्रिंट वर्ड्स, पिक्चर्स एसेट्रा डेट यू सी ऑन द मॉनिटर. ये कोई भी वर्ड, लेटर, नंबर, पिक्चर, किसी भी चीज को प्रिंट करता है जो भी हम मॉनिटर पर देखते हैं. अ प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट और अ हार्ड कॉपी. प्रिंटर से जो प्रिंटेड कॉपी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंट आउट, या फिर हम कहते हैं उसे हार्ड कॉपी. नाउ वी विल लर्न अबाउट स्पीकर्स. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्पीकर्स के बारे में. स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस ऑन द कंप्यूटर. स्पीकर का यूज हम कंप्यूटर पर गाने सुनने के लिए और कोई भी जो आवाज कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है उसे सुनने के लिए करते हैं. लैपटॉप्स कम विद बिल्ट इन स्पीकर्स. लैपटॉप में स्पीकर्स क्या होते हैं? ऑलरेडी बिल्ट होते हैं. एक्स्ट्रा बाइट्स. नाउ आई विल टेल यू वन एक्स्ट्रा बाइट्स. नाउ अ डेज वायरलेस कंप्यूटर्स डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. आजकल मार्केट में वायरलेस कंप्यूटर पार्ट्स अवेलेबल हैं. कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एसेट्रा. नाउ वी विल डू वन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. अब हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ ईच पिक्चर इन द बॉक्सेस. अब हमें क्या करना है? कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उसका फर्स्ट लेटर लिखना है दिए हुए बॉक्स में. यू विल गेट द नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. जब आप इन सब पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कंप्यूटर के पार्ट का नाम मिलेगा. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ पैरेट. तो पैरेट का फर्स्ट लेटर है लेटर पी. देन अनदर पिक्चर इज ऑफ रैबिट. रैबिट का फर्स्ट लेटर है आर. देन आइसक्रीम. आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर है आई. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ नोज. नोज का फर्स्ट लेटर है एन. आफ्टर देन अ पिक्चर ऑफ टोमेटो. टोमेटो का फर्स्ट लेटर है टी. देन एग. एग का फर्स्ट लेटर है ई. एंड द लास्ट पिक्चर इज रोज. रोज का फर्स्ट लेटर क्या है? आर. तो अब हम इन सब लेटर्स को इसी सीक्वेंस में लिखेंगे. फर्स्ट लेटर इज पी आर आई एन टी ई. द लास्ट वन इज आर. तो अब ये क्या बना? कंप्यूटर के किस पार्ट का नाम बना?
प्रिंटर। तो जब हमने इन सब पिक्चर के फर्स्ट लेटर लिखा तो कंप्यूटर का कौन से पार्ट का नाम बन के आया? प्रिंटर। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर मैनर्स। अब हम कुछ कंप्यूटर मैनर्स पढ़ेंगे। डू आईज एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप योर आईज हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। अपने आईज की डेली एक्सरसाइज कीजिए। किस लिए? अपनी आईज को हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। रब योर हैंड्स टुगेदर एंड कीप देम ऑन योर आईज। अपने हैंड्स को आपस में रब कीजिए और उसको अपनी आईज पे रखिए। डू दिस 5 times। आपको ये कितनी बार करना है? 5 times करना है। इट्स स्मूथ टायर्ड आईज एंड इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या करेगा? हमारी आंखों को आराम देगा और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। लेट अस रिवाइंड। तो अब तक हमने जितना चैप्टर में पढ़ा हम उसको क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सिस्टम कैबिनेट। अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी। इट शोज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर पर जो भी वर्क किया वो हम कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पर देखते हैं। अ कीबोर्ड इज मेड ऑफ सर्वर स्मॉल बटन्स कॉल कीज। कीबोर्ड पर बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिसे हम कीज कहते हैं। अ कंप्यूटर माउस हैज 2 buttons एंड अ स्क्रॉल व्हील। कंप्यूटर के माउस पर 2 buttons होते हैं और क्या होता है? एक स्क्रॉल व्हील होता है। अ माउस इज यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट द आइटम्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। सिस्टम कैबिनेट होल्ड द CPU एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम कैबिनेट क्या रखता है अपने अंदर? CPU को रखता है और कंप्यूटर्स के कुछ पार्ट्स को होल्ड करता है। प्रिंटर इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ आर वर्क ऑन अ पेपर। प्रिंट आउट हमें किससे मिलते हैं? प्रिंटर्स से मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? पेपर पर मिलते हैं। स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस ऑन द कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ स्पीकर वी कैन लिसन म्यूजिक एंड एनी अदर रिकॉर्डेड वॉइस। तो बच्चों इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? कंप्यूटर के मेन पार्ट्स और कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाइए। फर्स्ट वन, डैश आर यूज टू लिसन म्यूजिक और रिकॉर्डेड वॉइस ऑन कंप्यूटर। किसकी हेल्प से हम गाने सुनते हैं और रिकॉर्डेड वॉइस सुनते हैं? प्रिंटर, माउस, स्पीकर और कीबोर्ड। द करेक्ट आंसर इज स्पीकर। द नेक्स्ट वन, द डैश ऑफ अ कंप्यूटर एक्ट्स लाइक योर ब्रेन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कैसे एक्ट करता है? जस्ट लाइक योर ब्रेन। मॉनिटर, प्रिंटर, CPU और माउस। CPU इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, डैश हेल्प्स टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। हम कौन से पार्ट की हेल्प से पिक्चर ड्रॉ करते हैं और कलर करते हैं? ऑप्शंस हैं माउस, कीबोर्ड, स्पीकर और प्रिंटर। द करेक्ट आंसर इज माउस। नेक्स्ट वन, डैश होल्ड्स द CPU एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन CPU को और कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को होल्ड करता है? प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड या सिस्टम कैबिनेट? सिस्टम कैबिनेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट वन इज डैश इज लाइटर देन LCD। LCD से हल्का क्या है? LED। द नेक्स्ट वन, अ कंप्यूटर माउस हैज डैश बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। कंप्यूटर माउस के कितने बटन्स होते हैं? TWO 2 buttons। थर्ड वन इज देयर आर डैश टाइप ऑफ मॉनिटर्स। कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं? 2 types के। कौन कौन से? LCD एंड LED मॉनिटर। नाउ द फोर्थ वन, डैश इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर वर्क ऑन अ पेपर।
हम किसकी हेल्प से अपने काम का प्रिंट आउट लेते हैं पेपर पर? वी विल टेक हेल्प ऑफ प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जो सही है उसके लिए टी लिखिए और जो गलत है उसके लिए हमें क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ सर्वल स्मॉल बटन्स कॉल कीज। कीबोर्ड बहुत सारे छोटे छोटे बटन से मिलकर बना है जिन्हें हम कीज कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो वी विल राइट टी फॉर इट। नाउ द नेक्स्ट वन, अ सीपीयू इज यूज्ड टू पॉइंट एट एंड सिलेक्ट द आइटम्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन। सीपीयू की हेल्प से हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं मॉनिटर पर और या फिर हम कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है, हम माउस की हेल्प से चीजों को सिलेक्ट करते हैं। थर्ड वन, अ प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट और सॉफ्ट कॉपी। जो प्रिंट निकलता है प्रिंटर से उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंट आउट कहते हैं और सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, हम उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। नंबर फोर, सिस्टम कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ अ बटन यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। सिस्टम कैबिनेट में एक बटन होता है जिससे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, उसमें एक बटन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। देयर आर टू कॉलम्स, यहाँ पर दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम्स में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और दूसरे कॉलम में कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपको पिक्चर देखकर उसको सही नाम से मैच करना है। तो बताइए फर्स्ट पिक्चर किसकी है, मॉनिटर की, प्रिंटर की, माउस की या स्पीकर की? टेल मी फास्ट। यस, यू आर राइट, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ प्रिंटर, पहली पिक्चर प्रिंटर की है। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, मॉनिटर, माउस और स्पीकर? द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ स्पीकर। थर्ड वन, बताइए मॉनिटर की है या माउस की पिक्चर है? द थर्ड पिक्चर इज ऑफ मॉनिटर। नाउ द लास्ट वन, लास्ट पिक्चर किसकी है, माउस की है, तो हम इसे किससे मिलाएंगे, माउस से मिलाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उसके क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर के कुछ डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं। तो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, माउस, कीबोर्ड और कौन से होते हैं, जल्दी बताइए, मॉनिटर, एंड सिस्टम कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अभी हमने लेसन में पढ़ा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द यूज ऑफ अ प्रिंटर। प्रिंटर का क्या यूज होता है, प्रिंटर का यूज होता है किसी भी चीज का प्रिंट देना। तो आप एक बार इस चैप्टर को रीड करेंगे और इन फोर क्वेश्चंस के आंसर आप खुद देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर कौन सा है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्पीकर, स्पीकर्स के क्या यूज होते हैं। स्पीकर इज यूज टू लिसन द म्यूजिक एंड रिकॉर्डेड वॉइस। स्पीकर की हेल्प से हम म्यूजिक को सुनते हैं और क्या सुनते हैं, जो भी कंप्यूटर में रिकॉर्डेड वॉइस है। सो दीज क्वेश्चंस यू विल डू बाय योरसेल्फ। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।